Good morning, students. So today's topic that we are going to learn is about verb. Verb means action words. Now this topic is on page number 53. This is on page number 53 in your English reader book. Reader book mein hai aapke page number 53. I want everybody to open a page number 53 in your reader book. Now, as I told you earlier, verbs are action words. Action word का मतलब ऐसे words जो हमें बताते हैं कि basically subject क्या कर रहा है. अगर हम कहते हैं words like climb, write, cry, all these words are action words. Action words जैसे climb, climb यानी चढ़ना. If I say I am climbing या I climb a tree, so climb word जो है वो एक action word है. नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल इज आई राइट अ लेटर. नाउ इस सेंटेंस में राइट वर्ड जो है बता रहा है कि आई यानी मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है, आई राइट अ लेटर. ठीक है, नाउ दिस वर्ड इज़ एन एक्शन वर्ड और इट इज़ अ वर्ब. ये वर्ब है यानी सेंटेंसेस में वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं जिसमें बेसिकली सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमारा वर्ब कहलाता है. राइट, नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल. नाउ ही कोई बॉय है. ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल. सो प्लेज वर्ड जो है यहाँ पे हमारा वर्ब है. नाउ एक डिफरेंस मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ. आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा शायद. आई राइट है, राइट्स नहीं है. ही प्लेज है, प्ले नहीं है. आप लोगों ने नंबर्स पढ़े थे, नाउन नंबर्स. ठीक है, सिंगुलर्स एंड प्लूरल. सो रिमेंबर ऑलवेज जो सिंगुलर वर्ब होता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उनके साथ हम हमेशा एस और यस वाले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. यानी आप हमेशा ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. ठीक है, सिंगुलर मतलब एक के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमारे वर्ब में हमेशा ही हम या तो एस होगा या फिर देर विल बी एन ई एस. ओके, बट आई जो है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी डोंट यूज़ एस एन ई एस. आई के साथ हम जो हैं सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वाले रूल्स को अप्लाई करते हैं. यानी आई के साथ जो भी वर्ब होगा ना तो उसमें एस होगा और ना ही उसमें ई एस होगा. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल, शी कुक्स फूड. नाउ शी इज़ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ वुमन जो एक सिंगल है. ठीक है, और शी कुक्स, कुक्स मतलब खाना पकाना. ठीक है, हिंदी में कुक्स का मीनिंग होता है पकाना. शी कुक्स फूड. सो कुक्स वर्ड जो है हमारा इट इज़ अ वर्ब. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ As you have seen कि verb are action words. Now the two type of words that you people are going to learn in this topic are transitive verb. जैसे हम हिंदी में भेद पढ़ते हैं ना, so English में kinds हो गए. So verb के two kinds जो आपने पढ़ने हैं, first one is transitive verb and the second one is intransitive verb. Transitive, intransitive. Okay, now transitive verb जो है are verb that requires an object. इनको object चाहिए होता है. यानी basically अपना एक complete sense लाने के लिए sentence में transitive verb को एक object की requirement होती है. ठीक है, if I take an example, she cooks food. Cooks मेरा verb था. I told you cooks word is a verb and फूड जो है मेरा ऑब्जेक्ट है. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, शी कुक्स फूड. नाउ हेयर वी आर गेटिंग अ कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस. हमें एक कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है कि वो खाना पकाती है. वो पकाती है, क्या पकाती है? खाना पकाती है. आप लोगों ने हिंदी में सकर्मक और अकर्मक पढ़ा है, राइट? क्रिया में, सो क्रिया हमारा वर्ब है. सो ये उसके टू काइंड्स यानी सकर्मक और अकर्मक हो गए. सो ट्रांजिटिव वर्ब में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको एक ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है. अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, दिस टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज अ ट्रांजिटिव. सो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव. नाउ इनट्रांजिटिव का मतलब हो गया दैट डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. दे
इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, राइट? इसमें ऑब्जेक्ट उन्हें चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. ना इफ़ आई टेक द सेम एग्जांपल, शी कुक्स फूड, फूड मेरा ऑब्जेक्ट था. इंट्रांसिटिव में क्या होगा? शी कुक्स, नाउ देर इज़ नो ऑब्जेक्ट. नाउ शी कुक्स, वो पकाती हैं. वो क्या पकाती हैं हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है? जब हम सेंटेंस में क्वेश्चनिंग करते हैं व्हाट, तो वो व्हाट का आंसर नहीं आता है. हिंदी में मैम ने समझाया होगा आपको कि अकर्मक और सकर्मक पहचानने का एक सिंपल होता है कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जब आप क्या प्रश्न पूछते हैं, अगर क्या का जवाब आता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, राइट? सो ऑब्जेक्ट जिसमें है वो मेरा ट्रांजिटिव है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं है सेंटेंसेस में, दैट टाइप ऑफ अ सेंटेंस विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ इंट्रांजिटिव वर्ब. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सी, आई हैव टेकन द सेम सेंटेंस, और एक में ऑब्जेक्ट है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है. वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, फूड मेरा ऑब्जेक्ट. अगेन, वह पकाती है यानी शी कुक्स, वो क्या पका रही है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. आई होप इट इज़ क्लियर.